नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस एंड पैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये एक मंथली प्रिडक्शन है, यानी कि फरवरी महीने के लिए होगी, और ये एक ओवरऑल रीडिंग है, यानी कि लव लाइफ के लिए भी होगी, जॉब बिजनेस करियर के लिए भी होगी, तो हर चीज़ के लिए ये वीडियो होगी। तो जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से या किसी नाम राशि से किसी से भी ये देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैप्रिकॉन आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, द चैरियट एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉन जो महीने का जो शुरुआत है, यानी कि एक कह सकते हैं कि 1 से 10 तारीख तक का जो कार्ड आए हमारे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आया है ये द चैरियट। तो जो महीने की शुरुआत है आपकी, वो एक अच्छी किसी चीज़ को, जॉब को, बिजनेस को, एक डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अपना अपना जो गोल है, जो है उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और वहाँ आपको सक्सेस, अगर आप एक अच्छी एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देते हैं तो वहाँ आपको सक्सेस भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। जो महीने की शुरुआत है वो आपकी एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ हो सकती है। जो काम आपके रुके हुए थे, जो काम आपके नहीं बन रहे थे, तो वो काम अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालेंगे, पावर डालेंगे और कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपको फिर से मिल सकती हैं। एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा बिजनेस, अच्छा करियर आपका इधर होता दिखाई दे रहा है, मतलब सक्सेसफुल आप होते दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो महीने का पहला पड़ाव है, जो यानी कि 1 से लगभग 10 तारीख तक कह सकते हैं, या 8-9 तारीख तक, जैसा भी आपको ठीक लगे, तो महीने की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी होती अच्छी होती दिखाई दे रही है, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन महीने के मिड में कहीं ना कहीं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हैं, यानी कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है आप की खुद की ही बनाई हो सकती है। मतलब किसी चीज़ को लेकर जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, शायद आपका वो काम पूरा ना हो सके, या किसी और चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। किसी से छोटा मोटा वाद विवाद, इस तरह की परेशानी हो सकती है, या आपकी लव लाइफ की वजह से, रिलेशन की वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसी पोजीशन रहेगी कि चाहकर भी आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर थोड़ा सा निकलने में असमर्थ दिखाई देगा अपने आप में। थोड़ा सा परेशानी, दुविधाएँ बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने आप को थोड़ा सा यूनिवर्स के हवाले करेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम फरमाएंगे, रिलैक्स करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है वो परेशानी, वो दुविधा आपकी ख़त्म हो सकती है। लेकिन आपको जो मिड मंथ है आपका, वहाँ कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रह सकते हैं। यूनिवर्स में आस्था लगाइए, भरोसा करिए, उन पर विश्वास करिए, धीरे धीरे करके जो है समय आपका पॉजिटिव होगा और फिर से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं। चाहे वो आपका जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या लव लाइफ हो सकती है। लवर्स के इतने अच्छे कार्ड्स इसमें स्पेशली नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जॉब बिजनेस के लिए ही मतलब ये दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा आपको, आप अपने आप को महीने के मिड में बंदा बंदा सा, यानी घिरा घिरा सा महसूस कर सकते हैं, काफ़ी थकान महसूस कर सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर जैसे आप के ऊपर बर्डन आ गया है, बोझ आ गया है, आप उससे रेस्ट करना चाहते हैं,
किसी चीज को लेकर हो सकता लंबे समय से जो परेशानी हो रही थी, तो ये जो महीने के मंथ में शुरुआत में जो आपका काम लग रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो वो काम बनेगा, तो वो काम होने के बाद भी आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से लंबे समय से आप थक गए थे, जूझ रहे थे उन चीज़ों से, तो वहाँ आप सोच सकते हैं कि अगर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। तो आप उन हो सकता है कि इसलिए पीसफुली थोड़ा सा अपने आप को शांति से रखना चाहते हैं, और आप जब लगता है कि शांति, जब आपको रिलैक्स मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और महीने के लास्ट में भी कहीं ना कहीं आप जो है उन चीज़ों से परेशान रह सकते हैं, और आप जो अननोन फियर है, किसी चीज़ को लेकर जो डरावने सपने होते हैं, उन उनसे आप घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, आपको लग सकता है कि कोई आपकी जॉब, बिजनेस, करियर में, या आपके काम में, या फिर लव लाइफ में बाधाएं डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, कोई कोई ना कोई तीसरा पर्सन है जो आपके रिश्ते में या तो फिर आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहां आप काम करते हैं, आपका क्लिक हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई साथ में काम करने वाला और मेंबर, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो जिसकी वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि वो आपके काम में रोड़ा अटका रहा है, आपका काम आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका काम रुक रहा है, पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, जितना आप काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही काम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रह सकती है ये आप, या फिर आप ऐसे सपने देख रहे हैं जिनसे ले जो जिन पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उन उनको लेकर आप डरा हुआ, घबरा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस पर, जो सोच सोच कर आपने रिश्ते को भारी बना लिया है, अपने जॉब बिजनेस को भारी बना लिया है, जो आप रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अगर इस परेशानी से, इस दुविधा से आप बाहर निकलते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुलकर सामने वाले से ही बातें करते हैं जिससे आपको डाउट है कि उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो जो जो लंबे समय से जो जिन चीज़ों के लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस बनता दिखाई देगा, वो काम आपके धीरे धीरे करके दोबारा से अपनी मंजिल पकड़नी शुरू कर देंगे, यानी कि धीरे धीरे करके आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इसमें अपने ऊपर जो है, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, इमोशंस को समझना पड़ेगा, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए, प्यार से, प्रेम से दूसरों से पेश आइए। अगर आप गुस्से में रहेंगे, एंगर में रहेंगे, तो बनते काम भी आपके बिगड़ सकते हैं, और अगर किसी से प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे तो आपको उनकी मदद मिल सकती है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी पटरी पर आ सकती है, यानी कि आपके काम फिर से बन सकते हैं, जो काम नहीं बन पा रहे थे, जिनमें बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन जा रहा था, तो धीरे धीरे करके वहाँ स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। ये महीने के लास्ट में दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो महीने का जो बिगनिंग, शुरुआत है, वो आपकी अच्छी जाने वाली है, अगर आप हार नहीं मानेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत हो सकती है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, थंबे हुए थे, वो काम शुरू हो सकते हैं, और मिड मंथ में आपको हो सकता है कि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं, जिस वजह से आप उसमें जकड़न महसूस कर सकते हैं, सुस्ती महसूस कर सकते हैं, आलस महसूस कर सकते हैं, चाहकर भी उनसे निकलना पसंद नहीं करेंगे, और वहीं इसीलिए आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहेंगे, आराम देना चाहेंगे, और महीने के एंड में कुछ अननोन फियर जिसको लेकर आप डर घबरा सकते हैं, आपको लग सकता है कि कहीं आपकी मिली हुई जॉब वापस ना चली जाए,
कोई तीसरा पर्सन तो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है या आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, तो इस चीज़ का जो अननोन फियर है उसे आप डरे हुए घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप डरे रहेंगे घबराते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव बनिए, दिमाग को पॉजिटिव कीजिए। जैसे आप सोच रखेंगे वैसा ही धीरे धीरे करके समय आपका शुरू हो जाएगा। और अगर अपने गुस्से पर एंगर पर कंट्रोल करते हुए तो सामने वाले को प्यार से प्रेम से बोलेंगे, अच्छी वाणी में बोलेंगे, तो जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में या इस काम जॉब में आपको नहीं मिल रही थी तो वो आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, द फूल एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपको चाहिए कि अपने आप को यानी कि उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है या किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं। ऐसी जगह पर जाइए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो आपको समझ सकें, पीस मिले, सकून मिले, शांति मिले, आप रिलैक्स कर सकें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ सकें और आप सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। बिना सोचे समझे आप अगर रिस्क उठाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप डिटरमिंड बंदे की तरह यानी कि आप ये डिसाइड करते हुए कि आपको आगे बढ़ना ही है, हार नहीं माननी है और आप इसको मजबूती के साथ एक इस काम के लिए आप शुरुआत करेंगे या फिर इस लव लाइफ के लिए शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको एक आराम करने के बाद एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे तो वहाँ भी आप जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। और लास्ट का जो कार्ड है वो टेम्परेंस है, जैसा कि पहले कार्ड्स में भी आया है, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, गुस्से और एंगर को छोड़ने की ज़रूरत है। आप दिमाग से काम लीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काम कीजिए और अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे यानी कि आपके जो बाहर के काम हैं वो बाहर उस समय पर कीजिए जो आपको सूट करता है और घर के काम जब में आप घर गृहस्थी के ही काम कीजिए। तो अगर चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलेंगे, लव लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, परिवार वालों के साथ स्टेबिलिटी बनाकर चलेंगे तो ये रिश्ता फिर से या जॉब बिजनेस आपका फिर से स्टेबल हो सकता है। जो रुका हुआ थंबा हुआ सा आप महसूस कर रहे थे तो वहाँ आपको धीरे धीरे करके कामयाबी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये नहीं कहूँगी कि सब पर रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप, और ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए होती हैं। तो जो नेगेटिविटी है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव बनाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, उन नेगेटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है जो आपके साथ जा रही हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।